6.3 वैज्ञानिक क्रांति। मध्यकालीन यूरोप, इस्लामी देश तथा भारत में ईश्वरवाद का व्यापक प्रभाव था। ईश्वरवादी लोगों को यह शिक्षा दे रहे थे कि अंतिम सत्य तो ईश्वर ही है, जो सर्वशक्तिमान है और उसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। मनुष्य को इस लोक में सुख प्राप्ति की जगह परलोक में ईश्वर के निकट स्थान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। इस विचारधारा के चलते भौतिक दुनिया के अध्ययन को बहुत कम महत्व दिया गया और यहाँ तक माना गया कि ऐसा करना धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध है। इस कारण मध्यकाल में वैज्ञानिक अध्ययन प्रभावित हुआ। फिर भी यह वैज्ञानिक चिंतन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। मध्यकाल में विशेषकर इस्लामिक देशों में वैज्ञानिक खोज चलता रहा। हमने पहले देखा था कि किस प्रकार अरब दार्शनिकों ने चीन और भारत के वैज्ञानिक और गणितीय साहित्य का अध्ययन और अनुवाद किया था। भारतीय गणित को और खासकर स्थानीय मानाधारित संख्या पद्धति को उन्होंने अपनाया था। चीन के कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार जैसे बारूद, छापाखाना और चुंबक को भी उन्होंने अपनाया। अरब विचारकों ने चीनी और भारतीय खगोलशास्त्रियों द्वारा की गई तारों, ग्रहों आदि के चलन की गणना को आगे बढ़ाया। उनके द्वारा रचे ग्रंथ विभिन्न तरीकों से यूरोप के वैज्ञानिकों तक पहुँचे। इस तरह अरबी वैज्ञानिकों ने भारतीय और चीनी विज्ञान को यूरोप तक पहुँचाने का काम किया। जब यूरोप में प्राचीन यूनानी और लैटिन साहित्य का अध्ययन फिर से प्रारंभ हुआ तो उन्होंने यूनान के वैज्ञानिक साहित्य के अध्ययन के साथ अरब ग्रंथों का भी अध्ययन किया। उन्हीं दिनों यूरोप के नाविक भारत और चीन पहुँचने के नए समुद्री मार्ग खोज रहे थे। इसके लिए समुद्र में दूर तक यात्रा करने की जरूरत थी। समुद्र में तारों व ग्रहों की स्थिति के अवलोकन से ही यात्रा की जा सकती थी। समुद्र में रास्ता निर्धारित करने के लिए चुंबकीय दिक्सूचकों का उपयोग किया जाने लगा। उन दिनों समुद्र में दूर तक देखने के लिए दूरबीन का आविष्कार हुआ। दूरबीन कांच के लेंस से बनाई जाती थी। इसी तरह उन दिनों युद्ध में तोपों का बहुत उपयोग होता था। तोप चलाने वालों के लिए यह जानना जरूरी था कि तोप को किस कोण से दागने पर गोला कितनी दूर जाकर गिरेगा। गोले के वजन, तोप के व्यास आदि का भी अध्ययन जरूरी था। इन सब का वास्ता वैज्ञानिक अध्ययन से था, अतः व्यापारियों व राजाओं की विशेष रुचि वैज्ञानिक खोजों में बनी। मध्यकालीन यूरोप में कुछ वैज्ञानिक हुए, जैसे इंग्लैंड में 12वीं सदी में रॉजर बेकन, जिसने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकालने पर जोर दिया था। उन दिनों किसी भी प्रश्न का उत्तर आभास या अनुमान के आधार पर दिया जाता था। प्रयोग करके वास्तविकता के अवलोकन से निष्कर्ष निकालने की प्रथा नहीं थी। धीरे धीरे बेकन के आग्रह पर कई लोग आगे बढ़े। जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, रेनॉसा काल में मानव शरीर तथा दृष्टि परिप्रेक्ष्य की ज्यामिति समझ पर काफ़ी शोध हुआ था। खगोलशास्त्र एक और महत्वपूर्ण अध्ययन का क्षेत्र था। मध्यकालीन विद्वानों का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी तारे सूर्य, चंद्रमा और ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यह धारणा मूलतः प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु की दी हुई थी। साथ में यह भी माना गया था कि पृथ्वी सपाट है। कई मध्यकालीन खगोलशास्त्रियों ने आसमान में ग्रहों की चाल का अवलोकन किया और पाया कि इन सिद्धांतों में कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि ग्रहों की चाल इन धारणाओं के अनुरूप नहीं थी। इनमें से प्रमुख था पोलैंड देश का निकोलस कोपरनिकस, जन्म 1473, मृत्यु 1543। कोपरनिकस ने अपने जीवन के अंत में एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उसने कहा कि ढेर सारी समस्याओं का निदान हो सकता है यदि हम यह माने कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है और पृथ्वी सहित सारे ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस के ये विचार उन दिनों काफ़ी क्रांतिकारी थे। लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पृथ्वी, जो हमें स्थिर लगती है, वास्तव में सूर्य की परिक्रमा करती है। चर्च के अनुसार ईश्वर ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में बनाया था ताकि मनुष्य उस केंद्र में रहे। इस कारण चर्च ने भी इन विचारों का विरोध किया।
लेकिन फिर भी कई लोग इन विचारों को जांचने के लिए आसमान में तारों व ग्रहों की चाल का बारीकी से अध्ययन करने लगे। इनमें से प्रमुख था टाइको ब्राहे, जिसने डेनमार्क देश में एक वेदशाला स्थापित की। वहाँ नए वैज्ञानिक तरीकों से अवलोकन करके ग्रहों की चाल की गणना की जाती थी। इन गणनाओं का गहन अध्ययन एक खगोल शास्त्री केपलर, जन्म 1571 मृत्यु 1630 ने किया और पाया कि इसे समझने के लिए यह मानना ही होगा कि सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी सहित सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं, जैसा कि कोपरनिकस ने कहा था। लेकिन कोपरनिकस ने माना था कि ग्रह एक गोलाकार पथ में परिक्रमा करते हैं, जबकि केपलर की गणनाओं के अनुसार वे गोलाकार पथ में नहीं बल्कि अंडाकार पथ में घूमते हैं। केपलर ने यह स्थापित किया कि भौतिक जगत के बारे में हम केवल विश्वासों, धर्म ग्रंथों व मान्यताओं के आधार पर नहीं बल्कि बारीक अवलोकन और गणना से समझ सकते हैं। इसी बात को इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो, जन्म 1564 मृत्यु 1642 ने आगे बढ़ाया। गैलीलियो की विशेषता यह थी कि उसने कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे और उनके उत्तर जानने के लिए प्रयोग किए और उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले। उसने बारीक मापन और गणना को अत्यधिक महत्व दिया। यही सब आधुनिक विज्ञान के मूल सिद्धांत बने। गैलीलियो ने नाविकों के एक नए आविष्कार टेलीस्कोप का उपयोग ग्रहों को देखने के लिए किया। उसने पाया कि बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों के चारों ओर कई चंद्रमा परिक्रमा करते हैं, पर सवाल था कि ये ग्रह व चंद्रमा कैसे घूमते हैं, उन्हें धक्का कौन देता है। यह समझने के लिए कि चीज़ें क्यों चलती हैं या रुकती हैं, उसने कई प्रयोग किए, जैसे भारी और हल्की चीज़ों को ऊंचाई से गिराकर देखना कि क्या उनके गिरने के समय में कोई फर्क है या वे एक साथ गिरती हैं। किसी चीज़ को धागे पर लटका कर हिला कर देखना, गेंदों को लुढ़का कर देखना कि किस कोण में और कैसे फर्श पर वे सबसे अधिक लुढ़कती हैं। इन सब के आधार पर गैलीलियो ने कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत को सही पाया और उसने इस बात को एक पुस्तक में प्रकाशित किया। पृथ्वी की जगह सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में रखना चर्च को पसंद नहीं आया और गैलीलियो की पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया और उस पर दबाव डाला गया कि वह अपने कथनों को वापस ले। गैलीलियो ने इस शर्त को स्वीकार तो कर लिया, किंतु अपने प्रयोगों को गोपनीय तरीके से जारी रखा और उन देशों में प्रकाशित किया जहां पोप की सत्ता खत्म हो गई थी। गैलीलियो के विरुद्ध यह मुकदमा विश्व इतिहास में धर्मांधता और विज्ञान की मुठभेड़ के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें धार्मिक अतिवाद ने वैज्ञानिक खोज में रुकावट डालने का प्रयास किया। इसे सत्ता या निजी स्वार्थ बनाम मनुष्य की खोजी प्रवृत्ति के रूप में भी देखा जाता है। केपलर और गैलीलियो की खोजों के आधार पर अंग्रेजी वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन, जन्म 1642 मृत्यु 1727 ने गुरुत्वाकर्षण और खगोलीय पिंडों की गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। न्यूटन के काम से एक नया युग प्रारंभ हुआ जिसमें विज्ञान को शीर्ष स्थान मिला। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस तरह पूर्व आधुनिक काल में धार्मिक पूर्वाग्रह से मुक्त होकर नए विज्ञान की शुरुआत हुई। इस नए विज्ञान ने केवल पूर्व मान्यताओं पर आधारित न होकर प्रयोग और गणितीय प्रमाण को अपना आधार बनाया। रेनासा युग की शुरुआत में यह माना गया था कि ज्ञान विज्ञान के बारे में अरस्तु के विचार और तरीके ही प्रमाणिक हैं, लेकिन वैज्ञानिक क्रांति के चलते यह स्थापित हो गया था कि अरस्तु के कई मूल सिद्धांत और अध्ययन के तरीके गलत हैं।